हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम की जो स्टोरी होती है उसके जो व्यूज़ हैं आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप अपनी जो इंस्टाग्राम स्टोरी होती है उसके जो व्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम में स्टोरी व्यूज़ बढ़ाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना जो स्टोरी है उसे दिखा देता हूँ कि हमारे स्टोरी में कितने व्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ पर स्टोरी को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो स्टोरी है उसमें 107 व्यूज़ हैं। अभी इस स्टोरी के जो व्यूज़ हैं उन्हें मैं इंक्रीज़ करके आपको बताता हूँ। तो अब आपको होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद अब आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है आई लाइकर। जैसे आप आई लाइकर सर्च करेंगे तो आपके सामने आई लाइकर डॉट नेट ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे अब आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज़। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई ऐड आएगा, उस ऐड को आपको यहाँ पर कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट अ रोबोट। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फिर से नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे के साइड में जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज़। आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फिर से नीचे के साइड में चले जाना है। जैसे आप नीचे के साइड में जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का। आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक रिजल्ट्स। आपको चेक रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे के साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको गो टू डेस्टिनेशन इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फिर से एक ऐड आएगा, तो इस ऐड को आपको यहाँ पर कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से नीचे के साइड में स्क्रॉल कर देना है। नीचे के साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालने का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम जो है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर दिया है। आपको भी इसी तरह से अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको फिर से यहाँ पर नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में आपकी जो भी स्टोरी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में आपको आई एम नॉट अ रोबोट इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको कंटिन्यू आई एग्री इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे की साइड में जाएंगे, अब यहाँ पर आपको बैक टू होम इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट से बाहर आ जाएंगे। अब आपको होम स्क्रीन में आ जाना है। अब आपका जो इंस्टाग्राम स्टोरी के व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए होंगे। चलिए अब मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को ओपन करके बता देता हूँ कि हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी के व्यूज़ जब वो बड़े हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करूँगा, यहाँ पर स्टोरी के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, पहले हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी के जो व्यूज़ थे 107 थे। अब हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी के जो व्यूज़ हैं 146 हो गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है उसके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और दोस्तों, इंस्टाग्राम से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।